तो फ्रेंड्स, शॉपिंग मैंने कर ली है और अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने एसी का जो पंखा है उसकी हवा भी स्लो कर दी है ताकि क्लैरिटी चेक कर सकूं वॉल्यूम की। GoPro का जो इन बिल्ट इन वॉल्यूम है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ये वीडियो है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो दोस्तों, ये मैंने वाइपर अभी अभी चलाया है और उसके ऊपर जो वाटर वेपर्स थे वो जमे हुए थे, तो हो सकता है अभी इसी कुछ मोमेंट्स पहले पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, क्योंकि फिल्म जमी हुई थी शीशे के ऊपर गाड़ी के विंडस्क्रीन के ऊपर। तो अब मैंने अभी उसे वाइप किया है और मैं चला ही देता हूँ इसको, क्योंकि अभी अभी बारिश होकर हुई है, हटी है, तो नेचुरली वाटर वेपर्स जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं। और मैं दोनों खिड़कियाँ भी थोड़ी खोल रहा हूँ और खिड़कियाँ मैंने खोल दी हैं ताकि वो बार बार वाटर वेपर्स नहीं जमे विंडस्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये सब जो मैं कर सकता था वो मैंने करा है। और दोस्तों, थोड़ी स्पीड थी, मैंने स्पीड पे काट दिया। गलती तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत हर व्यक्ति करता है, मैं भी कहीं ना कहीं अबोध बालक हूँ एक किसी कोने में अभी भी। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आगे से काटी और स्पीड पे था लेफ्ट में, हालांकि करीब करीब ज़ीरो स्पीड आ जानी चाहिए थी, या दो की या पाँच की स्पीड पे काटना चाहिए था मुझे। तो मैंने तेज़ स्पीड पे गाड़ी को काटा है और यहाँ पर ये देखिए येलो लाइट हो गई है और मुझे अभी अभी येलो लाइट में मैंने निकाली है गाड़ी। तो ये तो देखिए डेली लाइफ का पार्ट है कि कोशिश होती है आदमी की वो निकाल दे और उसको दूसरी रेड लाइट अगर होने वाली है तो उसका उसे वेट ना करना पड़े, ज़्यादातर ये हैबिट कुछ होती है। तो हालांकि फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स मैं काफ़ी मैं ऐसा समझता हूँ मैं काफ़ी कूल हो गया हूँ और इंतज़ार करता हूँ। और गॉन आर द डेज जब ऐसा होता था कि मैं उतना परवाह नहीं करता था और मतलब इम्पेशेंट भी था। तो एनीवेज, ये चीज़ें सिर्फ क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी चेक कर रहा हूँ वॉल्यूम की, GoPro के बिल्ट इन वॉल्यूम की, फिर से बता रहा हूँ बिल्ट इन वॉल्यूम विदाउट माइक एंड अडैप्टर, तो बिना माइक के जो वॉइस है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। और इसीलिए और साथ में चेकिंग हो रही है हमारी माउंट की, यानी कि जो उलांजी का जो हमारा मैंने माउंट लगाया है गाड़ी के डैशबोर्ड पर अंदर की तरफ जो लगाया है उसको भी चेक कर रहा हूँ, जो सपोर्ट कर रहा है GoPro को हाउसिंग के साथ। तो उसको भी चेक कर रहा हूँ कि वो खड्डों में ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ जगहों पर रोड में वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जानबूझ के अभी मैं इस खड्डे में से निकाल रहा हूँ ये तो आवाज़ एंड खड्डों का जो ऊंचा नीचा और उससे वीडियो की क्वालिटी जो है उन बम्पी रोड्स के ऊपर कैसी आ रही है, ये मैं चेक करने निकला हूँ। और स्पेशली नहीं निकला हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में एक काम था, तो मार्केट में शॉपिंग थी दो तीन चीज़ों की, वो मैंने करी। मेडिकल शॉप पे जाना था मुझे, प्लस मुझे जो है एक जो क्या कहते हैं पब जो होम यूटिलिटी आइटम्स हैं, एक मिरर लेना था मुझे और एक सीढ़ी लेनी थी जो एल्युमिनियम की सीढ़ी घर में चाहिए होती है, कई कामों के लिए हमें एल्युमिनियम की सीढ़ी जो घर में रखते हैं वो चाहिए होती है, तो वो लेने गया था। तो मैं ले आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है कि मैंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया है प्रॉपरली।
और इसी में मेरा जो है वॉल्यूम जो है वो चेक हो गया, यानी GoPro 9 का बिल्ट इन वॉल्यूम चेक हो गया, साथ ही हमारा ये चेक हो गया हमारी जो है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल और सम ऑफ यू। तो देख लेना, थोड़ा ध्यान कर लेना बंदे का, इस भाई को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दे देना। सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट टाइम। लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।